तो दोस्तों आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने राउंड लेगी। अब हमारे पास मोटर है 1500 आरपीएम की, देखें 1500 आरपीएम एक मिनट में 1500 चक्कर लेगी, और हमारे पास पुली है 10 इंच। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 1500 गुणा 10 बराबर, अब इसे 1500, तो दोस्तों ये आया 15000। अब दोस्तों हमें 900 आरपीएम लेने हैं तो मशीन पे कितनी बड़ी पुली लगानी होगी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों इन ये जो आंसर आया हमारा, ये जो आंसर आया 15000, बटे 900 बराबर। अभी देखते हैं हम इसे, तो दोस्तों हमारा आंसर आता है 16.66 इंच, यानी हमें 900 आरपीएम के लिए मशीन पे 16.66 यानी 16.5 इंची पुली लगानी होगी, 16.66 इंच ये लगानी होगी। या दोस्तों हमारे पास 900 आरपीएम की मशीन है और हमारे पास 15 इंची पुली है, तो अब हम ये कैसे सोचें, ये कैसे जानेंगे कि इस पे कितने आरपीएम की मोटर लगानी होगी या मोटर पे कितने आरपीएम की पुली लगानी होगी। तो दोस्तों ये हमारी मशीन 900 आरपीएम की है और इस हमारे पास पुली 15 इंची है, तो दोस्तों 900 × 15 करेंगे हम, तो दोस्तों बराबर आता है 13500। तो दोस्तों यह आया 13500। अब हमारे पास 1500 आरपीएम की मोटर है, 1500 आरपीएम की मोटर है, तो अब हम इस मोटर पे कितनी इंची की पुली लगाएंगे इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों इन 13500 को बटे 1500 करेंगे हम, अब बराबर जो हमारा आंसर आता है वो देखते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर आता है 9 इंच। तो दोस्तों मोटर पे 9 इंच पुली लगानी होगी। दोस्तों अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम बहुत इलेक्ट्रिशियन के बारे में वीडियो बनाएंगे, मोटर कैसे बांधी जाती है, किस प्रकार काम करती है, कैसे पिच सलाट पोल निकालने होते हैं, दोस्तों ये सब बताएंगे, पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे।